नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 3 जून के सुबह 10 बजे से जय दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में माँ भवानी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जय दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय शुक्रवार का दिन होगा, यानी माँ लक्ष्मी, माँ भवानी और माँ सरस्वती के परम दिनों में से एक महत्वपूर्ण दिन होंगे और यश में इनके आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे और कुछ ऐसे ही बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिनसे आपको लाभ ही लाभ और बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यश में से आपके जीवन काल में धन को लेकर समस्याएं खत्म होने वाली है, क्योंकि मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको यश में घर से जुड़े और कार्यस्थल से जुड़े सभी कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में पैसों को लेकर जो भी किल्लत है सभी खत्म होने वाली है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि माँ भवानी के आशीर्वाद से आपके जीवन से जुड़े सभी दुश्मनों का नाश होगा, यश में आपके रास्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके मन मस्तिष्क में नए ख्याल आएंगे और इन नए विचारों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में यथासंभव लाभ कमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर आप यशमी घरों की स्थिति के साथ साथ सावधानियों को भी रखेंगे तो दोस्तों आपका जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा और आने वाले समय आपके लिए राजा से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश मंत्राल में आखिर आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान भी रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी, माँ भवानी और माता सरस्वती के आशीर्वाद से आपके पारिवारिक जीवन में, घर के माहौल में क्या क्या सुधार होंगी और ये ग्रह गोचर आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और माता रानी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में संतोषजनक समय चल रहा है, जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आपको काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए तथा दोस्तों अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों कुछ राजनीतिक लोगों से मेलजोल या फिर मुलाकात बेहतरीन साबित आपके लिए होंगे। यश में आपके उनसे जो कुछ सीखने को आपको मिलेगा जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में सावधानी को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों यश में ध्यान रखें कि अधिक सोच विचार करने में कुछ परिणाम जो है आपके हाथ से निकल सकते हैं। स्वभाव में यश में घमंड और अति आत्मविश्वास जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ना आने दें। दोस्तों यश में सेविंग में भी आपकी कमी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, यदि आप नई प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए पेशा जोड़ना शुरू करना होगा। आपके द्वारा दी गई लोन की अर्जी यश में नकारा जा सकता है, लेकिन दोस्तों पैसे से जुड़ी मदद आपको परिवार के मित्रों से प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों पैसे से जुड़ी चिंता पड़ने की वजह से आप जो है किसी भी काम पर पूरा ध्यान यश में नहीं लगा पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों घर को सुव्यवस्थित रखने में आपकी विशेष रुचि रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच से काफी हद तक सुलझ जाएंगी। साथ ही दोस्तों थकान की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए किसी एकांत या फिर धार्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, किसी मित्र या फिर रिश्तेदार की गलत सलाह के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। बेहतर है कि दोस्तों अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें और दोस्तों अपने गुस्से और अहम जैसी नकारात्मक कमियों में सुधार लाने के लिए आपका जो समय होगा अति उत्तम समय होगा, इनमें आप सुधार लाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अपनी भावनाओं को काबू में करना भी आपके लिए यश में आसान रहेगा।
अधिकतर समय आप अपने विचारों में खोए रहेंगे और इनकी वजह से आप जो है किसी जटिल प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरों के प्रति भी रखी अपेक्षाओं को कम रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इस दौरान दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, दृढ़ निश्चय होकर अपने प्रत्येक कार्य में ध्यान दें। आर्थिक दृष्टि से ये जो दिन है, ये जो समय है, आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियां ला रहा है। इसके उपरांत दोस्तों यश में रचनात्मक तथा मन मुताबिक गतिविधियों में भी आप व्यस्त रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि दूसरों की सलाह पर काम करने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखें। दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। कभी कभी गुस्से या फिर वाणी में कटुता की वजह से बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान दें और अपने वाणी पर संयम रखकर ही कार्यों को शुरू करें। इसके बाद दोस्तों यश में आपके अंदर की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को संतुलित रखना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरों के द्वारा कही गई बातों से जो आपको मानसिक तकलीफ होती है, उस तकलीफ की वजह से आप जो है गलत निर्णय यश में ले सकते हैं, इसलिए दोस्तों खुद को शांत रखने का प्रयास यश में आपको करना चाहिए। दोस्तों, दूसरों की बातों में आकर व्यक्तिगत जीवन के लिए या फिर व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जो निर्णय में बदलाव न लाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चल रही थकान भरी दिनचर्या से सुकून पाने के लिए आपको जो है रुचिपूर्ण कार्यों में अपना समय को व्यतीत करना चाहिए। यश में आपका कोई रुका हुआ या फिर उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, इसकी संभावना बन रही है। परंतु दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि पैसे आने के साथ साथ खर्चे भी रहेंगे। दोस्तों इसमें लापरवाही में आकर किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें, अन्यथा कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अभी वक्त आपके पक्ष में ही रहेगा। करीबी व्यक्ति द्वारा आनंद आपको प्राप्त होगा, परिवार और मित्रों में जो है आपका प्रभाव बना रहेगा। दोस्तों, आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या से जुड़ी हर बातों में आपको प्रगति प्राप्त होगी। दोस्तों यश में मन आनंदित रहने की वजह से छोटी बातों का भी आप पूरा लुप्त यश में उठा पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों व्यापारियों को प्रगति प्राप्त होगी और नए व्यापार की योजना भी यशमय बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय कार्य क्षेत्र में कुछ भरोसेमंद पार्टियों से आपको नए प्रस्ताव भी मिलेंगे। दोस्तों यश में लाभदायक स्थितियाँ आपके लिए रहने वाली है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में बहुत धैर्य और संयम रखने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है अकारण मतभेद होने की आशंका बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, व्यवसाय के क्षेत्र में मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाकर रखें। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, उनकी लापरवाही की वजह से दिक्कतें आ सकती है। मीडिया और मार्केटिंग संबंधी कामों को यश में स्थगित रखें, ये आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपकी लापरवाही की वजह से कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य आपका बिगड़ सकता है। दोस्तों यश में अपने भविष्य संबंधी किसी भी योजना को स्थगित रखकर वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान को जो है केंद्रित रखें, ये भी आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों जल्दी ही समय की चाल आपके लिए अनुकूल होंगे, नौकरी में भी किसी प्रकार की यश में यात्रा संभव होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, इनकम के संसाधनों में भी कुछ कमी रह सकती है, परंतु दोस्तों जल्दी ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, इसलिए दोस्तों अपने कार्यों के प्रति ध्यान को केंद्रित रखें। नौकरी पेशा लोगों को यश में ऑफिस में सामंजस्य बिठाने की में जो है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसमें कामयाब रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आपके मुश्किल समय में जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए जो है संजीवनी का कार्य करेगा। दोस्तों सिर्फ अपने गुस्से व फिर आवेश पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये आपके लव लाइफ के लिए इसमें बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों, पारिवारिक वातावरण इसमें सकारात्मक बना रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में कभी कभी आत्मविश्वास या फिर अविश्वास जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इनसे आप बचने की कोशिश करें। यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, पति पत्नी के संबंध यश में उत्तम रहेंगे, प्रेम संबंध पारदर्शिता बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों अलगाव की स्थिति भी यश में उत्पन्न हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों, पति पत्नी के संबंध यश में ठीक रहेंगे, परंतु घर में कुछ ना कुछ परेशानियाँ रह सकती है। दोस्तों परेशान ना होकर समस्या का हल ढूंढें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, और दोस्तों कोशिश करने से आपको समस्या का हल भी यश में मिलेगा।
इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य ने सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय ज़्यादा तनाव लेने की वजह से हार्मोन संबंधी दिक्कतें आ सकती है। योगा और मेडिटेशन पर आपको ध्यान देना यशमय उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे चेस्ट संबंधी दिक्कतें रह सकती है, खांसी जुकाम वगैरह भी आपको परेशान यशमय कर सकता है। दोस्तों यशमय सावधानी बरतना आपके लिए अत्यावश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षमता और ऊर्जा में कुछ कमी भी आपको महसूस कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन यशमय आपके लिए उचित इलाज इसका होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें।